अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों ख्वाब में कवारी लड़की के को बच्चा पैदा होते हुए अगर देखें तो उसकी क्या ताबीर होती है? ख्वाब वो चाहे लड़की ख़ुद देखें या उसके बारे में कोई और देखें तो इसकी ताबीर क्या होती है? कवारी लड़की जो गैर शादीशुदा है, जिसके पास हलाल तरीक़े पर जिन्सी ताल्लुकात, जिन्सी ज़रूरत पूरा करने का रास्ता नहीं है, अगर वो ये ख्वाब देखें कि उसके यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, या किसी लड़की के बारे में गैर शादीशुदा कोई और ख्वाब देखे कि उसके यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, तो इसकी ताबीर क्या होती है? अगर कोई कवारी गैर शादीशुदा लड़की ये देखे कि उसके बतन से बच्चा पैदा हो रहा है, या ऐसे ही कोई दूसरा आदमी किसी कवारी लड़की के बारे में ये ख्वाब देखे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के ख्वाब जब लोग देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और वो उसको टेंशन में रहने लगते हैं और अपने दिमाग पर बोझ बना लेते हैं, जबकि ये ख्वाब अच्छा है। और इसकी ताबीर ये है कि जिस लड़की के बारे में ये ख्वाब देखा गया है या जिस लड़की ने अपने बारे में ये ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर ये है कि जल्दी निकाह के बाद अल्लाह ताला इसको साहिब औलाद बनाएगा, यानी अल्लाह ताला इसको औलाद से महरूम नहीं करेगा बल्कि ये माँ बनेगी। और माँ बनना एक औरत का सपना होता है, और ये सपना और इसकी आरजू और इसकी लगन तो वही बता सकती हैं जिनको अल्लाह ताला इससे महरूम रखता है। तो शादी से पहले कवारपन में गैर शादीशुदा अगर ये ख्वाब देखे तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पेशगी अल्लाह ताला उसको फ्यूचर के बारे में ये मैसेज दे रहा है, खुशखबरी सुना रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये माँ बनेगी, और माँ बनना खुशकिस्मती की अलामत होती है, इसलिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप ताबीर से मुतमईन हुए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप भी अगर अपने किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना ख्वाब लिख करके फिर फ्राइडे का वेट करें। इंशाल्लाह फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर बयान की जाएगी। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।